हमारा श्री जी विराजे मेवाड़ माँ, ठाकुर जी मेवाड़ में विराजते हैं। वो किसके लिए विराजते हैं? है तो देखो जैसे मीराबाई की भूमि है इसलिए ठाकुर जी वहां विराजमान हुए, लेकिन एक अजब कुमारी नाम की भगवान की भक्ता थी उसके लिए ठाकुर जी वहां विराजमान हुए। ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए अजब कुमारी वृंदावन आई और जब ठाकुर जी को देखा, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। सजल श्याम घन वरण लीन है फिर चित अनत ना भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। बंधुओं ये इतना सुंदर पद है श्री कृष्णदास जी का, भक्ति के कई भाव इस पद में एक अकेले पद में परिवर्तित प्रकट कर दिए श्री कृष्णदास जी ने। अजब कुमारी अपने राज परिवार के साथ दर्शन करने के लिए गई, ठाकुर जी को देखते ही उसके मन में ठाकुर जी विराजमान हो गए। अब तो वापस लौट के मेवाड़ आई तो ठाकुर जी उसके हृदय से जावे नहीं, उसको भी ज्वर चढ़ने लगा। इतनी व्याकुल हो गई, कई वैद्यों ने आकर के औषधि दी लेकिन वो ठीक नहीं हुई। तब उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी ये औषधियों से ठीक होने वाला रोग नहीं है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे ब्रज जाना है, गोवर्धन में श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करने, तभी मेरा ज्वर ठीक होगा और मैं सदा के लिए ब्रज में ही रहूंगी। राज परिवार की पुत्री होने के नाते पिता ने कहा कि हमेशा के लिए तो वृंदावन नहीं भेजूंगा मैं, कुछ दिन के लिए तुम चली जाओ। बहुत ध्यान से सुनना, तब अजब कुमारी वृंदावन आई। कल आप लोगों ने देखा था रात्रि में जब उत्सव प्रारंभ हुआ हम चौसर खेल रहे थे पुजारी जी के साथ, वो ठाकुर जी के पक्ष के थे, हम श्री जी के पक्ष थे। और कल चौसर में फिर कौन जीता? श्री जी जीती, वो उसमें पद में भी आता छलबल से जीती श्यामाजू, जीत गई। और दाव पे क्या लगा था? ठाकुर जी की पीताम्बरी और बंशी, हमने भी पुजारी जी के सब ले ही लिए, बंशी तो ही ना ही घड़ी उतार ली। तो खूब आनंद आए, कल चौसर खेल रहे ठाकुर जी। तो अजब कुमारी जब गोवर्धन आई चार पांच दिन के लिए, उसने गुसाई जी से प्रार्थना की कि हे गुसाई जी आप सब पुरुष रहते हैं सेवा में। एक परसों एक बहन मुझसे कह रही थी कि महाराज जी ठाकुर जी सेवा में सब पुरुष ही रहते हैं, हमको भी ले लिया करो, हम हमारे कहने या हमारे चाहने से आप सेवा में आ जाओगे? नहीं, ठाकुर जी की इच्छा होगी तो आप आ जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब सेवा ले लेंगे आपकी। तो अजब कुमारी ने गुसाई जी से कहा कि आप मुझे कोई सेवा प्रदान कर दें, ठाकुर जी की कोई सेवा दो। तो गुसाई जी बोले देखो अब यहां अपरस की सेवा है, तुमको क्या सेवा दें, तुमको जो प्रिय लगे तुम ठाकुर जी की सेवा करो। तो अजब कुमारी ने मन बनाया कि मैं ठाकुर जी के साथ चौसर खेला करूंगी। तो क्या करती थी, दर्शनार्थी जहां खड़े होते थे वहीं बीच में चौकी पर बढ़िया चौसर खोल करके और ठाकुर जी को देख करके और पासा चलती थी। एक बारी अपनी चलती और अपनी चाल चल के फिर कहती ठाकुर जी अब आपकी तरफ से, फिर ठाकुर जी की तरफ से चलती चौसर खेलते। इतनी निपुण थी वो खेलने में कि उसकी जीत होती थी लेकिन जैसे ही वो जीतने वाली होती थी ऐसा चाल चलती थी कि ठाकुर जी जीत जाते थे, वो हार जाती थी। महाराज चार दिन तक उसने ठाकुर जी को जिता दिया लेकिन जिस दिन उसका वापस प्रस्थान करने का समय था उस दिन नेत्रों में आंसू, बोले ठाकुर जी आप ही रोक सकते हो मुझको। चौसर खेलने लगी ठाकुर जी के साथ, खेलते 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 जैसे ही ठाकुर जी जीतने वाले थे उसने ऐसी चाल चली कि ठाकुर जी हार गए और वो जीत गई। तभी क्या देखा कि गर्भगृह में विराजमान श्रीनाथ जी के प्रश्वेत के बिंदु प्रकट हो गए, पसीने आ गए ठाकुर जी को। तब उसने कहा जय जय आपको श्रम नहीं होना चाहिए, एक चाल और खेलें हैं, अब की बार अच्छे से खेलना आप जीत जाओगे, आज तो अंतिम है, मैं तो जा रही हूं फिर अपने घर। और चौसर खोल करके ठाकुर जी को खिलाने लगी, खिलाते 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 आज तो चाल ऐसी चल रही थी वो चाह करके भी ठाकुर जी को नहीं जिता पा रही थी, खुद ही जीत रही थी, लेकिन अंत आते आते उसने ऐसी चाल चली फिर से ठाकुर जी को जिता दिया। जैसे ही ठाकुर जी जीते भगवान से रहा नहीं गया और श्रीनाथ जी प्रकट हो गए और आकर के उसकी गोद में आकर के लिपट गए, बोले हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, तुम चौसर में इतनी निपुण हो कि तुमसे कोई जीत नहीं सकता लेकिन तुम हमको जिता देती हो, खुद हार जाती हो, बताओ क्या चाहिए।
अजब कुमारी बोली, मत पूछिए, क्यों, आप दे नहीं पाओगे। ठाकुर जी बोले, आपने हमको प्रसन्न किया, आप जो कहेंगी हम देंगे, आप मांगिए तो सही। बोले, वचन दीजिए जो मांगूंगी सो देंगे। बोले, देंगे। बोले, मैं ब्रज में नहीं रह पाऊंगी, आप मुझे दर्शन देने के लिए मेवाड़ पधारो, मेवाड़ में विराजो। ठाकुर जी व्याकुल हो गए, बोले, हम ब्रज कैसे छोड़े ये ब्रज। और बंधुओं, अखंड वृंदावन वासी, अखंड ब्रजवासी दो हैं, हमारे गोस्वामी जी बैठे हैं, यदि आप मोहर लगाएं तो, पहले श्री गोवर्धन नाथ जी और दूसरे हमारे श्री राधारमन लाल जी, ये अखंड ब्रजवासी हैं भैया। इनने कभी वृंदावन का त्याग नहीं किया, कभी नहीं गए वृंदावन छोड़ के। अगर कोई को अखंड वृंदावन वास की इच्छा हो ना, तो या तो गिरिराज जी की उपासना करो या हमारे श्री राधारमन लाल जी के चरण पकड़ लो, यही आपको अखंड ब्रजवास प्रदान कर सके, क्योंकि इनने कभी ब्रज वृंदावन को त्याग नहीं किया। हमारे गिरिराज जी की तो प्रसिद्धि है ही, ये सब कहे कि उनको बाहर नहीं ले जाना चाहिए, पर हमारे श्री लाल जी, राधारमन लाल जी भी कभी नहीं गए, सदा ब्रज में रहते हैं। ऐसे वृंदावन को जिसको ठाकुर जी इतना प्रेम करते हैं, अजब कुमारी की भक्ति के लिए श्रीनाथ जी गोवर्धन पर्वत से प्रस्थान करके मेवाड़ में विराजमान हो गए। सोचो, कभी कभी मन में भाव आता है कि मैं कहता भी हूं कथा में, पत्नी के लिए पति बदल जाता है, पति के लिए पत्नी बदल जाती है, माता पिता के लिए बच्चे बदल जाते हैं, लेकिन भक्त भगवान के लिए अपने आप को बदल नहीं पाता। ठाकुर जी बदल देते हैं अपने नियमों को। उस दिन कीर्तिदान गद्वी जी आए रात में, क्या कहा उन्होंने कि श्री द्वारिकाधीश कितनी बार जूनागढ़ गए, 52 बार। द्वारिकाधीश नाम बोले और तभी हमारे चित्रांग पुजारी जी आ जाएं, आपकी पीताम्बरी और ये घड़ी मैंने वापस कर दी, आप हार गए कल। हमारी श्री जी दयालु हैं। बोलो, द्वारिकाधीश की जय हो। कैसे आ रहे हैं आप? बोलो, कल बोल रहे थे ना। छल बल से जय हो, जय हो, जय हो। सब लोग जोर से कहो, श्री द्वारिकाधीश की मंगला में। ठाकुर जी की मंगला की माला जी पधारी। तो क्या निवेदन कर रहा था मैं, हाँ, तो द्वारिकाधीश जी 52 बार जूनागढ़ गए। इतना तो कोई वैष्णव नहीं आता होगा द्वारिका, है बाहर रहने वाला द्वारिका, बाहर की छोड़ो जामनगर राजकोट आदि पास में रहने वाले लोग इतनी बार द्वारिका नहीं आते होंगे जितनी बार ठाकुर जी जूनागढ़ चले गए। तो ठाकुर जी सबके लिए नियम बदल रहे हैं, भक्त को भी चाहिए कि ठाकुर जी के लिए नियम बदले। तो बंधुओं, बड़े भाव से हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, लाल जी का आज उत्सव का विराम है। श्रवणम कीर्तनम विश्व, सबसे ज्यादा भगवत कीर्ति का गान, ठाकुर जी की ब्रज लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, तीनों लीलाओं का दर्शन जिन्होंने किया, ऐश्री श्री रोहिणी मैया, वो कीर्तन भक्ति की आचार्य हैं द्वारिका में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरण भक्ति, स्मरण भक्ति के आचार्य द्वारिका में है देवकी मैया, उन्हीं के लिए ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में बैठे हैं, क्योंकि देवकी मैया ने तो दो भुज लाल जी को देखा ही नहीं। जन्म लेते ही ठाकुर जी, तमत भुतम बालकम अम्बुज क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, इसीलिए देवकी मैया के भाव से ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही विराजते हैं द्वारिका में, क्योंकि उनकी स्मृति में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप ही है, चतुर्भुज ठाकुर जी। तो स्मरण भक्ति की आचार्य द्वारिका में कौन, देवकी, माता देवकी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, चरण सेवा, अनावृत चरण सेवा यदि द्वारिका में किसी ने ठाकुर जी की है तो वो श्री कुशेश्वर महादेव बिल्कुल ठाकुर जी के नीचे ही विराज रहे हैं, और जब द्वारिका बसी नहीं तब से विराजमान है। कल रात्रि 2 बजे तक पुजारी जी से कुशेश्वर महादेव की कथा वार्ता चल रही थी। तो पाद सेवन के आचार्य महादेव हैं यहां, वो महादेव हर जगह, जहां भी ठाकुर जी लीला की वहां ठाकुर जी पाद सेवन के आचार्य महादेव ही बने।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, अर्चन भक्ति की आचार्य कल हमने सुना श्री सत्यभामा, वंदन भक्ति के आचार्य हैं श्री अक्रूर जी महाराज। ठाकुर जी को व्रज वृंदावन से गोवर्धन मथुरा लेकर के गए ठाकुर जी के काका श्री अक्रूर जी, वो अर्चन भक्ति के वंदन भक्ति के आचार्य। दास्य भक्ति के आचार्य भगवान के सारथी जिनका नाम है दारुक सारथी, दास भक्ति के आचार्य। सख्य भक्ति के आचार्य द्वारिका लीला में भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी महाराज, श्री सुदामा जी। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। श्री सुदामा जी ठाकुर जी के सख्य भक्ति के आचार्य। सखत्व कैसा श्री सुदामा जी का, कि पूरी द्वारिका पूरे जहां सुदामा नगरी है किसी को नहीं बताया, आज तक अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि हम ठाकुर जी के सखा हैं। क्यों, कहीं हमारी स्थिति देख करके कोई पहला प्रश्न तो ये ना उठाए कि ऐसा सखा द्वारिकाधीश का, और दूसरा कहीं कोई हमसे ये ना कहे कि तुम द्वारिकाधीश के पास जाओ, तो हमारी स्थिति देख के याचक समझ के द्वारिकाधीश कृपा करते हैं। यहाँ व्यक्तियों की स्थिति ऐसी हो गई, अपनी गाड़ी पर लिखवा लेते हैं पूर्व विधायक और नीचे लिख देंगे उसके पड़ोसी, पूर्व विधायक और उसके भी पड़ोसी हैं हम, इतना भी बताना चाहते हैं हम, हमारे किससे संबंध है। मैं अपनी कथा में कहा करता हूँ, आजकल सेल्फी का टाइम आ गया है, कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति दिखे सब लोग सेल्फी लेते हैं, पर वैष्णवों को चाहिए आपके सेल्फी लेने की सार्थकता तब हो, सूरदास जी की सेल्फी ठाकुर जी के संगी मिलेगी, मीराबाई का चित्र ठाकुर जी के संगी मिलेगा, तुलसीदास जी का चित्र ठाकुर जी के संगी मिलेगा, कृष्णदास का चित्र ठाकुर जी के संगी मिलेगा, हमारे चित्र दुनिया भर के संग मिलेंगे। भैया ये चित्र यदि लेवे की बहुत इच्छा है ना, तो बस ये मीराबाई आदि सब भक्तन की तरह हमारी स्मृति में भी ऐसा ही रहे कि हमारा चित्र ठाकुर जी के संगी हो। अन्य किसी व्यक्ति से संबंध रखना और उसका फिर प्रकाश करना, सबको बताते रहना हमारा यहाँ से संबंध ये, हमारो इतनो घनिष्ठ ये ऐसो, क्यों? सख्य भाव ठाकुर जी के प्रति श्री सुदामा जी का, पर कभी प्रकट नहीं करते कहीं भी। ऐसा वर्णन आता है, एक सूक्ष्म कथा सुना के फिर मैं थोड़ा विराम लूंगा। हमारे मध्य में पूज्य शिपुनरी गोस्वामी जी महाराज पधारे, आप श्री वृंदावन प्रस्थान करेंगे, अब ब्रजवासी इनको लेवे आए हैं तो पहले ही सब राज तो क्लियर करवाएंगे कि कहाँ कहाँ से सब जामे, और फिर हमारे पूज्य महाराज जी श्री जगन्नाथपुरी वाले महाराज जी, आपका भी भाव सबको आशीष श्रवण करना है। आज तो बंधुओं ये तो चर्चात्मक और भावात्मक कथा रहती है लाल जी के उत्सव में, बस यहाँ तो भाव चलते हैं, तो थोड़ी देर श्रवण करो, फिर हम कुछ पदावली गा करके ठाकुर जी की राजभोग आरती करेंगे। ठाकुर जी को सुदामा जी की स्थिति पता है, पर ठाकुर जी चाहते हैं कि सुदामा किसी बहाने द्वारिका आए तो सही। एक कथा तो हम कथाओं में सुनाते ही हैं कि श्री सुदामा जी भगवान के पक्ष के चने खाए, वो चने साधारण दुर्वासा जी का श्राप लगा था उनको कि जो भी खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, तो सुदामा जी ने विचार किया फेंक देंगे तो कहीं अंकुरित होकर वृक्ष ना बन जाए, किसी को दे देंगे कोई खा ना ले, कुछ भी इसका अनहित ना हो जाए, इसलिए ठाकुर जी के पक्ष के अपने पक्ष के दोनों चने सुदामा जी ने खा लिए, और उसी वजह से ऐसा तो मैं कह देता हूं कथा में कि ये द्वारिका सोने की नगरी है ना, द्वारिका में इतना वैभव जो है ना, ये सुदामा जी की भेंट है द्वारिकाधीश को, या उनके पक्ष की लक्ष्मी विराजती है द्वारिका में। तो एक कथा तो ये है ही है, पर एक कथा और सुनी कि ठाकुर जी को पता है कि सुदामा जी की स्थिति क्या है, लेकिन ठाकुर जी चाहते हैं सुदामा आए कैसे भी। सुदामा जी की महिमा मंडन तो सब करते हैं, लेकिन सुदामा जी की पत्नी जो सुशीला है ना, वो भी कम ब्राह्मणी नहीं है। ठाकुर जी एक बार एक विप्र का भेष धारण करके, भिक्षुक विप्र का भेष धारण करके सुदामा जी के यहां पहुंचे, और भिक्षुक यदि आवे विप्र
तो भाई कौन उसको खाली हाथ जाने देता, कोई नहीं। सुदामा जी के द्वार पर जाकर के ठाकुर जी भिक्षुक एक विप्र बनकर के आए और भिक्षा की याचना करने लगे। सुदामा जी की पत्नी द्वार पर आई, आकर के बोली, महाराज जी क्षमा करें, हमारे घर में सोवर लगे हैं, मैंने पुत्र को जन्म दिया है इसलिए हमारे घर में सोवर हैं, मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगी। ठाकुर जी ने पूछा, तो ठीक है सोवर तो पूरे हो जाएंगे इतने दिन बाद, तब हम आएंगे दोबारा नगरी में तब आपको। बोले नहीं, मेरे यहां का सोवर अनंत काल का है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला, अनंत काल का है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। भिक्षुक रूप में ठाकुर जी बोले, ऐसा कैसा सोवर है जो जीवन पर्यंत रहने वाला है? तो सुदामा जी की पत्नी कहती है कि हमने श्रीहीन पुत्र को जन्म दिया है, हमारे घर में श्रीहीनता है, और श्रीहीन पुत्र जब घर में जन्म लेता है, मतलब उनका कहने का भाव ऐसा था कि हमारे घर में श्रीहीनता है, कोई पुत्र ऐसा नहीं था, ये भाव नहीं समझना, वो कहना है अपने भाव को किसी अन्य भाव में बता रही हैं कि हमारे घर में श्रीहीन पुत्र ने जन्म लिया है और उसका सोवर तो अनंत काल तक रहेगा। तब वो विप्र बोले, अरे तुमको अंधेरे में रखा गया है, तुमको बातें बताई नहीं गई हैं, तुम जानती नहीं हो कुछ भी। सुशीला बोली, क्या बताना चाहते हैं भगवान, आपको पता है एक ही जोड़ी कपड़ा है मेरे पास में, मैं इसी में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करती हूँ। दुनिया के लोग ये भैया ये युगल कबूतर रोज कथा सुनते हैं, कौन है पता नहीं, लेकिन इनको प्रणाम है, ये कभी वहाँ बैठते हैं कभी यहाँ बैठते हैं और ये पूरी कथा में विराजे हैं, जय हो। और कहते हैं कि युगल यदि सुने तो निश्चित कोई भाव, अब सब बड़े जन बैठे हैं ये बताएंगे, लेकिन ये युगल रोज सुन रहे हैं डेली, उत्सव में भी आते हैं रात्रि में, जय हो। बोलो द्वारिकाधीश की। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ तो बोले तुमको अंधेरे में रखा गया, तुमको बताया नहीं गया है। सुशीला जी बोली, क्या बात है बताओ। बोले आपके जो पति देव है ना, इधर देखो यहां देखो, आपके जो पति देव है ना, इनके सखा हैं श्री द्वारिकाधीश। भगवान ने स्वयं अपना परिचय जाकर के दिया सुशीला जी को, क्योंकि सुदामा जी तो बताते ही नहीं थे कभी भी, वो इतने अंतर्निष्ठ भक्ति करते थे कि कहीं कोई मेरी स्थिति देख करके प्रश्न चिन्ह ना उठाए कि एक गुरु के दो शिष्य, इतना अंतर दोनों में, और ऐसा कैसा सखत्व कि कृष्ण पूरे विश्व को देते हैं अपने मित्र को नहीं दे पा रहे, तो कहीं कोई ये प्रश्न ना उठा दे ठाकुर जी के ऊपर, इसलिए सुदामा जी मौन रहते हैं, बताते नहीं किसी को। और बंधु एक बात कहूं, संबंध प्रेम वो सबसे अच्छा जो गोपनीय रहता हो, जिसका ढिंडोरा पीट दिया जाता है, जिसका पूरे विश्व में प्रकाश कर दिया जाता है, वो प्रेम पर टिक नहीं पाता। इसलिए आजकल क्या हो गया है, भक्ति तो बढ़ी है लोगों में, लेकिन सब जगह बताने की हो गई है कि मैंने क्या किया, मेरे क्या अनुष्ठान होते हैं, मैं कब वृंदावन जाता हूं, कितनी माला जपता हूं, कितना नाम जप करता हूं, कितना ये करते हैं, क्यों उसका प्रकाश क्यों करना। आप अपने पुत्र को दिन में कितनी बार हृदय से लगाते हो, काउंट करते हो क्या? तो ठाकुर जी का नाम कितनी बार जपा उसकी काउंटिंग क्यों? मैंने तो एक नियम, महाराज जी एक आजकल वो आता है ना, वो बटन दबा के लोग नाम जप करते हैं, कई लोग यहां पे भी होंगे, पता नहीं क्यों श्री लाल जी ने एक दिन ऐसे भाव रखवाया तो मैंने कथा में कहा, और एक एक वैष्णव के संग तो मैंने कर ही दिया, वो जप रहे थे और जब मैं बात कर रहा था उनसे तो उनका मुंह चल रहा था, नाम जप कर रहे थे और जब चल रहा था तो मैंने कोई बात कही तो वो मुझसे बोले, मतलब अपनी पूर्णता कर रहे थे नाम की, और मैं बैठा रहा थोड़ी देर, फिर पूर्ण हुआ तब फिर, जी महाराज जी वो मेरा क्या है ना महाराज जी, नियम है रोज का कि मैं 6000 नाम रोज जपता हूँ, 5000 नाम। मैंने कि सीधे बोलना, तुझको बताना था मुझे कितना नाम करता हूँ मैं। मैंने कहा एक काम करेंगे आप यदि हमारी बात मान के, बोले बताएं महाराज जी। मैंने कहा ये जो काउंटर तुमने लगाया है ना, इसको तो रखो पर इस पर ऊपर टेप लगा दो, ये अंक दिखने नहीं चाहिए। मैंने कहा ठाकुर जी का कितना नाम जपा ये क्यों गिनना हमको, और अगर काउंटर रखा ही है ना अपने पास में, तो मैंने कहा इसको जीरो कर लो और अब के बाद इसको तब दबाना जब किसी के साथ कुछ बुरा करो, किसी को बुरा कहो,
कहीं क्रोध करो, किसी के साथ कुछ अनहित करो, तब काउंटर दबाना और 5 महीने बाद फिर देखना, हाँ भाई अब कितनी गिनती हुई इसमें। ठाकुर जी का नाम क्यों गिनते हैं हम, अपने प्रेम को क्यों गिन रहे हैं? और प्रेम संसार से कभी नहीं गिनते हम, ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम है उसी को ही क्यों गिना जाता है, उसी की ही क्यों गणना की जाती है? कितने राजभोग करवाए हमने, कितनी बार ध्वजा चढ़वाई हम, कितनी बार द्वारिका जाते हैं, क्यों उसकी काउंटिंग होती है? नहीं, भगवत संबंधी प्रेम की कभी गिनती नहीं। ये सुदामा जी से सीखो, किसी को नहीं बताया कि मेरे मित्र, स्वयं ठाकुर जी ने आकर के बताया। तब सुशीला जी अपने पतिदेव सुदामा जी के पास गए, बोले आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं। सुदामा जी बोले नहीं, किसने कहा? बोले देखिए आप झूठ नहीं बोलते हैं, अपने नियम पर रहिए, कौन है आपके सखा? तब सुदामा जी ने स्वीकार किया कि मेरे सखा द्वारिकाधीश। तब वो कथा फिर पूरी है, सुशीला गई पीछे पड़ गई, बोले तुमको जाना पड़ेगा। बोले कि अरे मेरी स्थिति देख करके कहीं ऐसा ना समझे भिक्षुक मांगने आया है। बोले ठीक है दे देंगे तो स्वीकार कर लेना, लेकिन आप जाओ, आपको जाना पड़ेगा। तब श्री सुदामा जी महाराज द्वारिका पधारे, ठाकुर जी से कोई याचना नहीं की, पर ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया, तुच्छ कुछ और सब कुछ। ठाकुर जी से कुछ मांगोगे तो तुच्छ ही मिलेगा, ठाकुर जी की कुछ सेवा करोगे तो सब तो कुछ मिलेगा। लेकिन ठाकुर जी के आगे दोनों भुजा के कहो, उठा के कहो, हम आपके नाथ और आप हमारे हो, जैसे राखो तैसे रहूं, तो ठाकुर जी सब कुछ दे देंगे, खुद को ही दे देंगे। सुदामा जी ने कोई याचना नहीं की, पर ठाकुर जी ने स्वयं को दे दिया। सुदामा जी के 3 भाव और हैं, उनको मैं कहूँगा, पर मेरी भावना महाराज जी की फ्लाइट भी है, आपको प्रस्थान करना है। श्री राधारमन लाल जी आज महाराज जी के रूप में उत्सव के विश्रांति में पधारे हैं, तो मेरा भाव है कि महाराज जी कुछ आशीष सबको प्रदान कर दें। मेरी इच्छा है महाराज जी कि आप सबन को थोड़ा आशीष नेक दे दें, और वाक्य बाद फिर हम शेष क्रम उसमें प्रवेश करेंगे, फिर पूज्य हमारे जगन्नाथपुरी वाले पूज्य महाराज जी भी, उनका भी हम लोग आशीष श्रवण करेंगे। सब लोग बड़े भाव से श्रवण करो, श्री राधा रमण लाल की जय।